हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का इस चैनल पे टारगेट इज पॉसिबल में। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, अभी अभी डाला हूँ मैं, जैसे कि उसका टाइटल था आवश्यक सूचना मेरे प्यारे सब्सक्राइबर द्वारा। सब्सक्राइबर, अगर आप सभी को अपना सीएससी का आईडी एंड पासवर्ड लेना हो तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें। तो फ्रेंड, मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए बताया था, लेकिन ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, इसमें मैं बताऊँगा कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे लोग। तो फ्रेंड, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, कैसे पूरी प्रक्रिया को आप लोग करेंगे लोग, और कहाँ कहाँ आप लोगों को दिक्कत आ सकती है, इसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, ये वीडियो आप लोग देखते रहिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप लोग मोजिला या फायरबॉक्स ओपन कर लीजिए, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया आपको मोजिला के ही माध्यम से होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे लिया सीएससी लोकेटर, जस्ट नीचे यहाँ पे आप लोग एक बार क्लिक कर दीजिए, नया विंडो ओपन होगा। विंडो ओपन होने के बाद आप लोग दाएं साइड में आप दिया एप्लीकेशन, फ्रेश एप्लीकेशन, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिए और फ्रेंड यहाँ पे अपना आधार नंबर टाइप कर दीजिए। आधार नंबर टाइप हो गया फ्रेंड। यहाँ पे आप तीन माध्यम से ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं लोग, पहला आयरिस, फिंगरप्रिंट्स, ओटीपी। तो फ्रेंड, फिलहाल ओटीपी में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, मैं ट्राई करता हूँ, अगर नहीं और ओटीपी आएगा तो आप लोग फिंगरप्रिंट से भी कर सकते हैं लोग। तो फ्रेंड, चलिए मैं यहाँ पे अपना कैप्चा ओपन कर देता हूँ। और सबमिट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे मेरा आधार नंबर दिखा रहा है, और यहाँ पे दो तरह से आप लोग ओटीपी मंगा सकते हो, या मेल पे या अपने ईमेल आईडी पे, या आप अपने मोबाइल नंबर पे। तो फिलहाल मैं दोनों के लिए अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ दोनों पे आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे मैं क्लिक करता हूँ, प्रोसेसिंग प्रक्रिया फिर शुरू हो गई, और यहाँ पर लिखा रहा है ओटीपी जनरेट सक्सेसफुली। तो फिर आप लोगों से कुछ नहीं करना है, आपके मोबाइल नंबर पर अगर ओटीपी आता है तो वहाँ पर ओटीपी आप लोग टाइप कर दीजिए, अगर नहीं आता है तो ईमेल आईडी पे मैं ट्राई करूँगा। तो फ्रेंड, मेरा ओटीपी आ गया, और फ्रेंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पे बार बार ओटीपी के लिए अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि एक ही ओटीपी आप लोगों का 5 मिनट से ज़्यादा वर्क करता है, सॉरी फ्रेंड, 30 मिनट, 30 मिनट तक वही ओटीपी वर्क करेगा। मैं ओटीपी यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ, और ओटीपी टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे जब वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करता हूँ तो देखता हूँ क्या होता है। फ्रेंड, यहाँ प्रोसेसिंग प्रक्रिया चलने लगी, और यहाँ पे आ रहा है सिक्योरिटी वार्निंग के लिए, आप यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। और इसमें जावा होना भी बहुत ज़रूरी है, देखिए ये पूरा ओपन हो गया। यहाँ पे आधार कार्ड का पूरा डिटेल और नाम, और यहाँ पे दे रहा है सी एस सी सेंटर की एस्को नेम, आपका सी एस सी सेंटर का नाम क्या होगा वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं लोग, जो आपके मन में हो वो यहाँ पे टाइप कर लीजिए। फिर सी एस सी लोकेशन, रूरल या उर्बान, और फिर लोकेट योर ग्राम पंचायत, यस या नो कर दीजिएगा। यहाँ पे स्टेट भर दीजिएगा, लोकेलिटी भर दीजिएगा, स्टेट चुन लीजिएगा, और पूरा पता यहाँ पर भरने के बाद पोस्ट ऑफिस, पिन कोड टाइप कर दीजिएगा। आइए हम लोग यहाँ पे टाइप कर देते हैं लोग, टारगेट कंप्यूटर रूरल ग्राम पंचायत, यस, स्ट्रीट में जो हो आप लोग टाइप कर दीजिए। जो आपका स्टेट हो यहाँ पे स्टेट आप लोग चूज कर लीजिए। ये फॉर्म ऑल ओवर इंडिया का कोई भी
नागरिक भर सकता है। यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए और फिर यहाँ पे अपना ब्लॉक, तहसील जो भी हो आप लोग चूज कर लीजिए। फिर यहाँ पे ग्राम पंचायत दे रहा है, वहाँ से आप लोग चूज कर लीजिए। फिर अपना गांव का नाम यहाँ से चूज कर लीजिए और यहाँ से अपना पोस्ट ऑफिस चूज कर लीजिए फ्रेंड, जो भी पोस्ट ऑफिस आपका पड़ता हो। जैसे अपना पोस्ट ऑफिस चूज करेंगे लोग, आप लोगों का ऑटोमेटिक यहाँ पे पिन कोड सेलेक्ट हो जाएगा और फिर यहाँ पे आप लोग कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे दे रहा है बैंक नेम, जिस बैंक में आपका अकाउंट हो उस बैंक को यहाँ पे टाइप कर लीजिए, पैन नंबर दे दीजिए, IFSC कोड, यहाँ से अपना पैन कार्ड भी अपलोड कर लीजिए। फिर नेक्स्ट चरण में चलते हैं लोग। फ्रेंड ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत लोगों का फंस जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है अपलोड योर सेंटर फोटो इनसाइड, अंदर का फोटो, और अपलोड योर सेंटर फोटो आउटसाइड, बाहर और अंदर दोनों का फोटो खींच लीजिए। और यहाँ पे दिया है GU टैग में चाहिए आप लोगों उन लोगों को। और यहाँ पे दिया है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो पहले मैं इस चीज़ को बता दूँ कि आप लोग ये कैसे करेंगे लोग। यहाँ पे आप लोग एक बार क्लिक कीजिए, नहीं ओपन हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पे गूगल सर्च कर लीजिए। मैं इसे क्रोम में करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड जो यहाँ पे दे रहा है सेंटर इनसाइड फोटो सोल्ड विद GU टैगेड, तो इसके लिए आप लोग सिंपली कुछ मत कीजिए, अपना गूगल अकाउंट गूगल सर्च बार पे कीजिए, यहाँ पे टाइप कीजिए GEO फोटो टैग, और जैसे यहाँ पे आप लोग सर्च मारेंगे लोग तो ये ऊपर ही दिखा रहा है GEO imager.com। जैसे आप लोग इसे ओपन करेंगे लोग नया विंडो खुलेगा और फ्रेंड आप लोग यहाँ से इनसाइड या आउटसाइड का फोटो यहाँ से आप लोग अटैच कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ से एक फ़ोटो ले रहा हूँ इनसाइड का, ये फ़ोटो अपलोड हो गया। और फ्रेंड यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे रहा है, तो आप लोग सिंपली यहाँ से अपने गूगल का मैप दे रहा है, यहाँ से अपना कोई भी स्थान हो उसे आप लोग यहाँ से चूज कर लीजिए। जैसे यहाँ पर लोग चूज करेंगे मैं लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड आ जाएगा, और जैसे टैग फोटो पे क्लिक करेंगे लोग तो ऑटोमेटिक उस हिसाब से वो फोटो आपका जनरेट कर देगा, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे लोग। ये तो हो गया आप लोगों का ये समस्या का समाधान इस चीज़ का। और उसी जो नंबर यहाँ पर दिया है लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड का नंबर, यहाँ से आप लोग कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर आप लोग इसमें डाल दीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप डालेंगे लोग तो यहाँ पर मैप भी देगा, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे आइए और कंटिन्यू पे यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर, कितना कंप्यूटर आप लोगों के पास है, कितने आप लोगों के पास एम्प्लॉयज वर्क करते हैं लोग, और बाकी का डिटेल यहाँ पे भर के, और अपना यहाँ पे ईमेल आईडी जिसका पहले का हो डाल दीजिए, या फिर CSC का ईमेल आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे एग्री और सबमिट पे बटन पे क्लिक कर दे लूँगा, आप लोगों का ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इतना ही आप लोगों को बताऊंगा, इसके आगे आप लोगों का आप लोग पूरी प्रक्रिया सही से कर लीजिए, समझ लीजिए, और ना समझ आए तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे आके एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सो थैंक्स।